हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक एग्ज़ाम्स पे। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके बारे में आप जानेंगे कि POK है क्या, व्हाट इज़ POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। डिटेल से चर्चा करेंगे हम कि आखिर ये क्या है, यहाँ की मुख्य इकोनॉमी किस पे निर्भर करती है, यहाँ के इंडस्ट्रियल वर्क्स कैसे हैं, यहाँ की लिटरेसी रेट क्या है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, यहाँ की कल्टीवेशन, यहाँ की खेती के मुख्य अनाज कौन कौन से उपजाए जाते हैं, पाकिस्तान में ये कब गया, कश्मीर से कब अलग हुआ, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर लें। तो दोस्तों, देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि POK यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत के राज्य जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा है, ये आप सभी को पता होगा, जिसे पाकिस्तान ने 1947 में यानी कि 1947 में अपने अधिकार में ले लिया था, जिसे बाद में पाकिस्तान ने POK को दो भागों में बांट दिया। सबसे पहले तो कश्मीर बटा और कश्मीर बट के बना POK, एक तरफ आया IOK और दूसरी तरफ गया POK। IOK मतलब इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर और दूसरी ओर POK यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और ये पाकिस्तान ने इसे दो भागों में बांट दिया, पहला आज़ाद कश्मीर और दूसरा गिलजिस बलिस्तान, ठीक है, जिसमें आज़ाद कश्मीर इंडियन कश्मीर के 3 गुना बड़ा है। आपको ये जानकर बात हैरानी होगी कि जो इंडिया के पास कश्मीर है उसका 3 गुना बड़ा है ये आज़ाद कश्मीर, और वहाँ की पॉपुलेशन 45 लाख है, एवरेज 45 लाख है। POK यह दावा करती है कि यह इसकी अपनी गवर्निंग असेंबली है, यानी कि यहाँ की अपनी सरकार है, जबकि यह पाकिस्तान के कंट्रोल में चलती है। POK की अब हम जानते हैं कि इसकी सीमा किन किन देशों के साथ जुड़ी हुई है। POK की तो सबसे पहले तो इसकी सीमा जुड़ी हुई है इंडियन कश्मीर के ईस्ट में, दूसरी चाइना के सिजिंग रीजन में, और पाकिस्तान के पंजाब में, अफगानिस्तान के वलखान कॉरिडोर, इन सभी से POK की सीमा जुड़ी हुई है। अब हम चलते हैं कि POK यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसकी कैपिटल कहाँ है। ये जो दो भागों में बटी हुई है, पहला आज़ाद कश्मीर और दूसरा गिलजित बलिस्तान, तो आज़ाद कश्मीर की कैपिटल कहाँ है, तो इसकी कैपिटल है मुजफ्फरबाद में, और इसके अंदर 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अब हम उनकी चर्चा करते हैं कि वो 8 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, लेकिन उसके पहले 8 डिस्ट्रिक्ट, 9 तहसील और 182 फेडरल काउंसिल्स आती हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि वो 8 डिस्ट्रिक्ट हैं कौन कौन सी। तो पहला है मीरपुर, दूसरा है भीमपुर, तीसरा है कोटली, चौथा है मुजफ्फरबाद और पांचवा है बाग, छठा है नीलम, रावाकोट और सुधन नोटी। ये टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट है जो POK के साउदर्न पार्ट में आती हैं। POK का कुछ हिस्सा जिसे पाकिस्तान ने चाइना को 1963 में दे दिया था, यानी कि 1963 को पाकिस्तान ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के कुछ हिस्से को चाइना को दे दिया था, उसे अब हम लोग केडेड एरिया या फिर ट्रांस काकाकोरम के नाम से जानते हैं। इसमें जो हिस्से थे वो आते हैं रीजन्स ऑफ रक्सम, बलिस्तिस्तान और सक्सगम वैली। अब हम जानते हैं कि POK की इकोनॉमी के मेन सोर्स क्या हैं। तो वहाँ की इकोनॉमी का मेन सोर्स है कल्टीवेशन यानी कि खेती, और जो वहाँ की मुख्य फसलें हैं वो है मेज़, व्हीट, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री, ये वहाँ की इनकम के मेन सोर्स हैं। इसके अलावा वो लोग मशरूम, हनी, वॉलनट्स यानी कि अखरोट, एप्पल, चेरीज़, मेडिकल हर्ब्स, रेजिन, मैपल, वर्निंग वुड्स, इन सभी चीज़ों की भी खेती करते हैं। ये तो बात हो गई कल्टीवेशन की। अब हम चलते हैं कि वहाँ इंडस्ट्रियल वर्क्स कौन कौन से होते हैं, जैसे में उड़न आइटम्स और टेक्सटाइल और कारपेट्स के वहाँ के काम होते हैं, इंडस्ट्रियल वर्क्स होते हैं, जिनमें बहुत कम मात्रा देखी जाती है
कोल सर्विसेज की, कोल रिजर्व्स यानी कि वहाँ कोयले के कारखाने बहुत कम है, चॉक्स बहुत कम है, बॉक्साइट बहुत कम है वहाँ। लेकिन इसके अलावा PKOK में यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में यदि देखा जाए तो स्कूल्स और कॉलेजेस की बहुत शॉर्टेज है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ की लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, 72% है, अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं POK की मुख्य भाषा कौन कौन सी है, तो कश्मीरी है, पंजाबी है, उर्दू है, पश्तो है। आपको ये बात बता दूं कि POK यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का अपना कोर्ट भी है, सुप्रीम एंड हाई कोर्ट। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और POK के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको मैंने दी है वो कैसी लगी, आपके लिए यूज़फुल है या नहीं है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप आज पहली बार हैं। धन्यवाद।